नमस्कार दोस्तों, ओमनी सेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनी सेंट इंग्लिश के साथ बहुत ही महत्वपूर्ण, जी हाँ दोस्तों, आसानी से अंग्रेजी कैसे पढ़ना सीखना चाहिए। अगर आप अंग्रेजी पढ़ते समय अटकते हैं या फिर समझ में नहीं आता कि कैसे अंग्रेजी पढ़ें, तो दोस्तों ये वीडियो आप अंत तक देखिए, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि इंग्लिश किस तरह से पढ़ा जाता है और प्रैक्टिस से ही आप इंग्लिश सीख पाएंगे। क्योंकि इंग्लिश सीखने में आपको बहुत चीज़ समझना होता है, जैसे कैसे इंग्लिश पढ़ा जाता है, इस बात पे फोकस करेंगे हम लोग। उसके बाद कैसे लिखा जाता है या कैसे बोला जाता है, एक और बात है कि समझा कैसे जाता है, उसके लिए वर्ड्स चाहिए होते हैं, तो उन सब पे बात होगी धीरे धीरे। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आपके लिए एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन है जो कि दो तीन स्लाइड में आपको मिल जाएगा कि दोस्तों ABCD आप जानते हैं क्या? A to Z तक तो जानते होंगे, इसे क्या बोला जाता है? तो आप कहेंगे ABCD, जी नहीं, इसे अल्फ़ाबेट कहा जाता है। और इसी के अंदर जैसे A, E, I, O और U, ये पांच लेटर मैंने लिख दिए हैं। इन पांच लेटर को जो है निकाल कर ये कह सकते हैं या हटा कर जो बस्ता लेटर है, जो बस्ता वो लेटर इस तरह से यहाँ से यहाँ तक अब लेटर जो बच रहा है जेड तक, इन सभी को ही कॉन्सोनेंट बोलते हैं। इंग्लिश में दो पार्ट होते हैं, एक तो वॉवल जो कि यहाँ है, आप देख रहे हैं वॉवल देख रहे हैं, और दूसरा है कॉन्सोनेंट। तो इस स्लाइड के बाद वॉवल को उच्चारण देखेंगे। यहाँ पर हम लोग सिर्फ उच्चारण सीख रहे हैं, जी हाँ, उच्चारण कैसे करना है, ठीक है, उच्चारण करना सीखेंगे। और उच्चारण अगर करना सीख गए तो इंग्लिश पढ़ना आपको आ जाएगा। देखिए जैसे कि बी को तो बी बोलते हैं, लेकिन बी का उच्चारण होता क्या है, सी का क्या उच्चारण होता है, मैंने लिख दिया। डी का उच्चारण क्या होता है, मैंने लिखा है। एफ का उच्चारण, जी का उच्चारण क्या होता है, यहाँ पर मैंने लिखा है, अंडरलाइन भी कर रहा हूँ। जैसे जे का उच्चारण, के का उच्चारण, एल का उच्चारण, एम का उच्चारण, एन का उच्चारण, पी का उच्चारण, उसके बाद क्यू का उच्चारण, आर का उच्चारण, एस का उच्चारण, टी का उच्चारण, वी का उच्चारण, डब्ल्यू का भी उच्चारण, इसके अलावा एक्स का उच्चारण, वाई को, जेड को क्या बोला जाता है। तो बगल में लिखा हुआ है CI और CE को स बोलते हैं, और जैसे CA, CK, Q, Q, U, E चारों को जो है क बोलते हैं। यहाँ भी क बोला जाता है, सी के को भी, CI, CE से स होता है, क नहीं होता, के से क होता है। तो चार आ तो छः हो गया, छः जगह जो है क उच्चारण होता है। तो इनको याद रखेंगे तभी तो समझ में आएगा, तो इसको याद करना उच्चारण। दूसरा उच्चारण दोस्तों वॉवल के बारे में, AEIOU के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है याद करना। जैसे मैं बताऊँ कि ए जो है, ए को चार तरह से, ई को पांच तरह से, आई को पांच तरह से, ओ को पांच तरह से, यू को चार तरह से, और डबल ओ को जो है, तो बहुत सिंपल तरीका है ना, पांच तरह से। तो कितना, चार, पांच, 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 चार, और ये पांच तरह से उच्चारण किया जाता है। आप समझ चुके, फिर से आप समझिए इसको कि कितने कितने तरह से होते हैं उच्चारण। तो मैं बताऊँ दोस्तों कि ए को जो है चार तरह से, चार कौन कौन तरह से फिर समझिए। A, I सबसे रिलेटेड वर्ड मीनिंग है, देखिए सबका रिलेट करते हुए वर्ड मीनिंग को दिया गया है। उच्चारण करके आप समझ लीजिए कि क्या लिखा हुआ है, सिंपल है। नहीं समझ में आएगा तो मैं बताता हूँ। E को पांच तरह से, जैसे देखिए यहाँ पांच है, I को पांच तरह से, यहाँ भी पांच है, O को चार तरह से, देखिए यहाँ चार है, U को चार तरह से, तो यहाँ भी चार है, और डबल O को पांच तरह से, तो यहाँ भी पांच दिया गया। तो सिंपल है, आपको समझ में आ गया होगा। जैसे यहाँ देखिए, मेडल में ए को आ बोलते हैं, मॉल में ए को आ बोलते हैं, मेड में ए को ए, मैन में ए को ए, मार्बल में ई को आ बोलते हैं, पेन में ई को ए बोलते हैं, पीस में ई को ई बोलते हैं, उसके सर्कल में आई को आ बोलते हैं, पिन में छोटी बोलते हैं, टीन में बड़ी बोलते हैं, टायर में आई बोलते हैं, टायर, सम में ओ को आ बोलते हैं, ठीक है, अबाउट में ओ को आ बोलते हैं, अप्रूव में ओ को ओ बोलते हैं, टोन में ओ को ओ बोलते हैं, उसके बाद बट में यू को अ, पुट में यू को उ, और म्यूट में यू को ईयू बोलते हैं, फ्लड में डबल ओ को आ बोलते हैं, रूम में डबल ओ को उ बोलते हैं, फ्लोर में डबल ओ को ओ बोलते हैं। यहाँ लिखा हुआ अच्छे से पढ़ लेंगे समझ में। इसके बाद दोस्तों 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड को आप बहुत तेज़ी से याद करना सीखिए। जी हाँ, इनको पहले अगर आप कुछ नहीं जानते हैं, अगर कोई भी कुछ नहीं जानता है, तो आप बस निश्चिंत होकर इसको याद कीजिए। अगर आपका पहला काम इंग्लिश पढ़ने से पहले इंग्लिश का ये जो पार्ट्स ऑफ वर्ड को याद करना, अगर इसे याद कर लेंगे तो आपको मैं बता दूं
कि आपको इंग्लिश समझ ली 70% आप पढ़ना सीख जाएंगे, 25% की जो बात है वो प्रैक्टिस के थ्रू या भविष्य के थ्रू हो जाएगा। तो इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए, बहुत ही जरूरी का है, काम का चीज़ है ये, बहुत ही अध्ययन के बाद इसे शॉर्ट आउट किया गया है। तो 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड याद करेंगे और इसके बाद सीधा वर्ड्स पे आएंगे, 100 सेंटेंस पे आएंगे। लेकिन उसके पहले दोस्तों मैं एक बात बता दूँ कि अगर हमारे वीडियो को खोज रहे हैं नहीं भैया, तो ओनली सेंट इंग्लिश यूट्यूब के सर्च में गूगल पर टाइप कीजिए, सारे वीडियो को मिल मतलब कि लिंक मिल जाएंगे। ओमनी सेंट बोलना है जी, क्या बोलना है? ओमनी सेंट इंग्लिश, ओमनी सेंट नहीं, ओमनी सेंट। अब देखिए, रीडिंग करना हो, राइटिंग करना हो, लिखना सीखना हो या स्पोकन, हर लोग अलग अलग लेवल में, जैसे रीडिंग की बात करते तो अलग लेवल में लोग होते हैं, मान लीजिए कोई 1, 2, 3, 4, 5 कहीं भी हो सकता है। उसी तरह कोई राइटिंग लिख रहा है, सीख रहा है, तो कहीं 1, 2, 3, 4, 5 किसी भी लेवल में हो सकता है। अगर स्पोकन की बात करते हैं यहाँ पर, तो वो भी कोई बेसिक में होगा, कोई 1, 2, 3, 4, 5 मतलब नंबर दे रहे हैं, तो पता चल जाएगी कौन कहाँ पर है। अब देखिए, सब कुछ सीखेंगे भी तीजिए स्टेप में, तो ग्रामर से बोलो ऑटोमेटिक सही करना यही काम है। एक A4 साइज की कॉपी खरीद लेना है और जैसा मैं बताता हूँ वैसा वैसा आपको काम करना है, नोट करना है, एक्सरसाइज बनाना है। और हमारा जो है, एक बार कॉपी पे उतार लेंगे तो एक कॉपी तैयार हो जाएगी, जिसके बाद वीडियो की नहीं कॉपी की आवश्यकता है। और उसको प्रैक्टिस के थ्रू आप इस बात की गारंटी मानिए कि आपको एकदम ग्रामर के अनुसार लिखने आएगा। ग्रामर के रूल रेगुलेशन को सेंटेंस स्ट्रक्चर पे सेट करते हुए बहुत सारे, कम से कम 6 से 8 रजिस्टर की कॉपियाँ जो है आपको लिख देनी पड़ेगी, उसके बाद सब आ जाएगा, बोलना, लिखना, समझना, सब कुछ सीखेंगे हम लोग। और अंग्रेजी पढ़ना लिखना हम लोग सीख रहे हैं। तो चलिए अब देखिए, वर्ड्स की बात करते हैं, तो अब ये वाला, उसके बाद जो एक और वीडियो में आएगा कुछ वर्ड्स, वो जो कि 8 लेटर वाले होते हैं ना, तो कुछ ही में आएंगे। उसके बाद 8 लेटर वाला समाप्त हो जाएगा 9 लेटर से, यानी ओ से शुरू होने वाले ऐसे वर्ड मीनिंग जिसमें 9 लेटर होगा वो वाले आएंगे। तो चलिए, जैसे ओवरटूक पढ़ने, ओवर तो प्रीफिक्स पार्ट है, बार बार आएगा, ईयर पर बोलते वी लगा ओवर हो गया, तो ओवर ओवर। अब देखिए, टी डबल ओ को टूक बोलते, तो ओवरटूक, ओवरटूक के बाद देखिए ओवर टॉप्स, तो इधर पढ़ेंगे हम लोग, ओवर को नहीं पढ़ेंगे। उसके बाद ओवर ट्रिम, ट्रिम, ओवर ट्रिप, धीरे धीरे बोलिए, ट्रिप, ओवर ट्रिप, जिनको नहीं पढ़ने आता वो हमारे साथ उच्चारण करें, ट्रिप, ठीक है, ट्रिप। ओवर चर, ओवर चर, ओवर चर, ओवर टर्न, ओवर टर्न के बाद है ओवर टाइप, नेक्स्ट जो है तो ओवर टाइप के बाद ओवर अर्ज, नेक्स्ट देखिए अर्ज के बाद ओवर यूज, ओवर यूज के बाद देखिए ओवर यूजेज, नेक्स्ट कितना इजी इजी वर्ड्स है, तो ओवर वेल, ओवर वेल के बाद है ओवर व्यू, व्यू। तो दोस्तों ये तो एक स्लाइड था, दूसरा स्लाइड देखिए, मतलब दूसरा कॉलम देखिए, जैसे ओवर वोट, 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 ओवर वोट, ओवर वार्म, ओवर वेरी, ओवर वॉश, ओवर वीक, ओवर वेयर, ओवर विन, ओवर वेल, ओवर वेल कर, ओवर वेंट, नेक्स्ट है ओवर वेट्स, और ओवर विली, नेक्स्ट है लास्ट है ओवर वाइड, जी हाँ। अब चलिए नेक्स्ट देखिए, तो ये रहा ओवर विंड, विंड है ना हवा, ओवर विंग जैसे पंख बोलते हैं, ओवर वाइज, नेक्स्ट है ओवर वाइज के बाद ओवर वर्ड, नेक्स्ट देखिए ओवर वर्ड, ओवर वोर, वियर से वोर बनता है यानी कब पहनने से, ओवर वर्क, नेक्स्ट ओवर वर्क, वॉन, ओवर वॉन, ओवर वॉन के बाद हो गया ओवर ईयर, नेक्स्ट है ओवर जिल, नेक्स्ट देखिए ओवर जिल के बाद ओवर ओवी वॉसेस, ओवी वॉसेस, ओवी सिडल, ओवी सिडल, नेक्स्ट है ओवी साइट्स, और नेक्स्ट देखिए इधर ओवी ओविक्यूलर, ओविक्यूलर के बाद है ओवी ड्यूकल, नेक्स्ट देखिए ओविडक्ट्स, ओविडक्ट्स के बाद है ओवीएडेंस, ओवीएडेंस, ओविडेंस, नेक्स्ट है ओवी पॉजिट, 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 नेक्स्ट है ओवॉइडस, ओवॉइडस, ओव्यूलेटेड, ओव्यूलेटेड, नेक्स्ट है ओव्यूलेट्स, ओव्यूलेट्स, नेक्स्ट देखिए ओवरटना, नेक्स्ट है ओवेल्टीज, ओवेल्टीज, नेक्स्ट देखिए ओवेनाइट्स, ओवेनाइट्स के बाद है
ओवर लुक, ओवर ओवर लुक। नेक्स्ट देखें यहां पर ऑलरीज, ऑलरीज। नेक्स्ट है ऑलिसली। नेक्स्ट है ऑवरेकम, ऑवरेकम। नेक्स्ट है ऑरेलेज। नेक्स्ट देखिए ऑरेवर्ड। नेक्स्ट देखिए ऑक्सालेटेड, ऑक्सालेटेड। नेक्स्ट है ऑक्सोलेट्स, ऑक्सो ऑक्सोलेट्स, ऑक्सोलाइजेस। नेक्स्ट है ऑक्सोलोरिया। नेक्स्ट है ऑक्से ऑक्सेम, देखिए ऑक्सा ऑक्से पम, ऑक्से पम। नेक्स्ट है ऑक्सा ऑक्साजाइंस। नेक्स्ट है ऑक्स ब्लड, ऑक्स ब्लड के बाद है यार देखिए ऑक्स ब्रीज, ऑक्स ब्रीज, ऑक्स ब्रीज, ऑक्स हर्ट। ऑक्स हर्ट के बाद है ऑक्सीडेबल, एबल बोलते हैं इसे, डेबल। ऑक्सीडेंट, ऑक्सीडेंट्स, ऑक्सीडेंट्स, ऑक्सीडेशेस। नेक्स्ट है ऑक्सीडेसिक। नेक्स्ट है ऑक्सीडेटेड, ऑक्सीडेटेड। नेक्स्ट देखिए ऑक्सीडेट्स, ऑक्सीडेट्स। नेक्स्ट है ऑक्सीडाइज्ड। नेक्स्ट देखिए ऑक्सीडाइज के बाद है ऑक्सीडाइजर। नेक्स्ट है ऑक्सीडाइजर के बाद है ऑक्सीडाइजेस, और है उसके बाद ऑक्सीडाइज्ड। चलिए दूसरे तीसरे स्लाइड पे चलते हैं, लेकिन उसके पहले तीसरा स्लाइड यही है दोस्तों कि वर्ड्स समझिए कि ये बुक्स एनसीईआरटी बुक से लिया गया और वर्ड्स आपको यहाँ स्टैंडर्ड मिल जाएंगे। तो जाहिर सी बात है आप धीरे धीरे करके जिनको बेसिक से सीखना है वो यहाँ तक अगर आप लोगों को पहुँचाइए, बताइए कि कैसे बेसिक से हर एक वर्ड्स को सिखाते हैं। अगर आपको नहीं सीखने आता, हर एक रोज नया नया वर्ड्स, नया नया टेक्स्ट आता, तो जाहिर सी बात वर्ड्स तो बहुत सारे मिलते रहते हैं। अधिक से अधिक वर्ड्स सीखने से आपको अलग से अलग पढ़ने को मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड इस तरह से मैजिकल वर्ड के रूप में काम करेंगे, जो कि आपको बहुत तेज़ी से पढ़ना सिखा सकता है। तो आपको क्या करना है, आराम से जल्दी जल्दी जो है समझ लीजिए कि किसके किस तरह से पढ़ना है। पढ़ते समय आपको विशेष ध्यान देना है जो मैं अंडरलाइन करूँगा या मैं जो बोलूँगा। तो चलिए यहाँ पर सीखने का प्रयास करते हैं इस आराम से। जैसे वर्ड है एन, इन, देखिए सी वन बोलते कन, कंट्रास्ट, कंट्रास्ट। टू फाइनल, ये कौन बोलते हैं, लगनल। फाइनल गुड्स, गुड्स सच एज व्हीट एंड एंड द व्हीट फ्लोर इन दिस एग्जाम्पल आर इंटर, इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स आर यूज्ड अप इन प्रोड्यूसिंग, प्रोड्यूसिंग फाइनल गुड्स एंड सर्विसेस। द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स ऑलरेडी, या तो ऑलरेडी इनक्लूड्स द वैल्यू, देखिए द वैल्यू ऑफ ऑल द इंटरमीडिएट गुड्स दैट आर यूज्ड इन मेकिंग, मेकिंग द फाइनल गुड्स। हेंस, ई एच ई एन सीक्वेंस बोलते हैं, चला तो हेंस ओके, हेंस। तो सिंपल समझ सकते हैं, हेंस द वैल्यू ऑफ रुपीज 60 फॉर द बिस्किट्स, बिस्कुट नहीं बोलिएगा, बिस्किट्स बोलते हैं हम लोग करेक्ट वे में। फाइनल गुड ऑल रेडी इन, देखिए ये इन है, इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ फ्लावर, फ्लावर सीमी, सिमिलरली, सिमिलरी, सिमिलरी। द वैल्यू ऑफ ऑल अदर इंटरमीडिएट गुड्स वुड हैव बीन इंक्लूडेड टू काउंट द वैल्यू ऑफ द फ्लावर एंड व्हीट सेपरेट, रेट है आई देखिए, चूंकि ए टी ई क्वेट बोलते हैं, एल वाई को ली बोलते हैं, दो पार्ट आ गए यहाँ पर, एट ओली, तो सेपरेटली इन, देयर फोर नॉट करेक्टिंग ऑफ टाइम्स फर्स्ट एज 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 व्हीट, ठीक है, एज व्हीट देन एज फ्लावर एंड फाइनली एज बिस्किट। तो दोस्तों इसी तरह से आप बहुत ही सावधानी से
एक बार दो बार पढ़ेंगे तो आपको पढ़ना आ जाएगा आराम से। तो कुछ नहीं ज़्यादा, ये 30 से 40 सेकंड में जो है वर्ड्स जो है पूरे स्लाइड को पढ़ा जा सकता है, 40 से 50 सेकंड में आराम से पढ़ लीजिएगा, जिसमें कि आप अच्छे समझ सुन भी सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में ही तक, अगर अच्छा वीडियो लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नीचे आप बहुत सारे वीडियोज़ के जो डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए लिंक, तो वहाँ से आप हमारे वीडियो को डे वन से देखिए। ये दोस्तों नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो में बने रहने का धन्यवाद, थैंक्स वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना बहुत ध्यान रखिए और लिंक को फॉलो करते रहिए। धन्यवाद सर, थैंक्स है, धन्यवाद।